नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट पे सिलेक्टेड हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ आगे के रूट वर्ड डे 65 के तौर पे ग्राफी रूट वर्ड को पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले जो 64 वीडियो हैं उस सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ पे कि मैंने आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। उस प्लेलिस्ट को विजिट करके सारे वीडियो को आप एक जगह देख पाएंगे। ग्राफी का मतलब आपको राइटिंग, स्टडी, साइंस या ड्राइंग, इस सबसे मिलता जुलता इसका मीनिंग आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सारे जो वो इसका मीनिंग आ रहा है वो एक तरीके से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जाके एक तरीके से सिनोनिमस है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट वर्ड है डक्टिलोग्राफी। डक्टिलोग्राफी में यहाँ पे आप देखेंगे DACTYL आया हुआ है, जिसका मतलब फिंगर होता है, और ग्राफी मतलब हो गया स्टडी, यानी फिंगर का स्टडी क्या कहलाएगा, डक्टिलोग्राफी। और फिंगर कहने का मतलब फिंगर प्रिंट से, जो फिंगर प्रिंट्स हैं उसका स्टडी का क्या कहलाएगा, डक्टिलोग्राफी। अब आपको यहाँ पे बस इस वर्ड को अगर आपने ध्यान रख लिया इसका रूट वर्ड में क्या मीनिंग होता है, तो इजीली आप इस वर्ड को लंबे समय तक याद रख पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है डेमोग्राफी। डेमो मतलब होता है पीपल, दैट मीन्स जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, और ग्राफी मतलब हो गया स्टडी। तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन का स्टडी है उसको हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है डिसग्राफिया, अगेन DYS, इसका मतलब नॉट या बैड होता है, और ग्राफ मतलब राइटिंग हो गया। तो जो लिखने में अनेबल हो, दैट मीन्स नॉट एबल टू राइट, या जो बैड राइटिंग के तौर पे लिखता है, जिसका राइटिंग बहुत ही खराब हो, तो दैट मीन्स कि वो लिखने में अच्छा नहीं है, नॉट एबल टू राइट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसग्राफिया। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे DYS जो है इसका मतलब नॉट भी होता है या आप बैड बोल सकते हैं, और इसका एंटोनिम फिर क्या हो जाएगा, यूग्राफिया। EU रूट वर्ड को आपने पढ़ा होगा पहले भी, EU मतलब होता है गुड। अब देखिए अगर मान लीजिए अगर इसका आपको एग्जाम में सिनोनिम्स के तौर पे या एंटोनिम के तौर पे अगर पूछा जाता तो रूट वर्ड आपको कितना हेल्प करता। लेट्स से कि इसका आपको एंटोनिम पूछ लिया गया, तो DYS मतलब अगर आपको सिर्फ बैड मालूम रहता और फिर अगर आप ऑप्शन देखते वहां पे EU आता तो आपको मालूम चलता ये गुड से रिलेटेड है, तो इसका अपोजिट आप कर सकते थे। तो इस तरीके से आप रूट वर्ड को ध्यान रखते रहिएगा, रिविजन करते रहिए, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर रहे। तो ये वर्ड हो गया। नेक्स्ट है एपिग्राफ। एपी मतलब हो गया ऑन, और ग्राफ मतलब हो गया राइटिंग। तो किसी चीज पे किसी चीज का लिखा होना क्या कहलाता है, एपिग्राफ। अब किस चीज पे लिखा रहेगा, यूजुअली सामान्य तौर पे स्टैच्यू हो गया, मॉन्यूमेंट हो गया, बिल्डिंग, इस चीज पर जो वर्ड रिटेन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एपिग्राफ। दैट मीन्स वर्ड रिटेन ऑन स्टैच्यू, मॉन्यूमेंट, बिल्डिंग एक्सेट्रा, तो इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, शिलालेख। नेक्स्ट वर्ड है जियोग्राफी। जियो मतलब अर्थ, सभी लोग जानते हैं, ग्राफी मतलब राइटिंग है, तो या आप इसको स्टडी कर लीजिए, ग्राफी मतलब तो अर्थ के बारे में स्टडी करना क्या कहलाएगा, जियोग्राफी, जिसको हम लोग हिंदी में भूगोल बोलते हैं। द स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ के सरफेस का स्टडी, अर्थ का स्टडी क्या कहलाता है, जियोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है ग्राफ। ग्राफ मतलब जैसे आपने रूट वर्ड में ही देखा होगा, ग्राफ मतलब स्टडी है या ड्राइंग है या राइटिंग है, तो इस तरीके का मीनिंग आता है। तो ग्राफ क्या है, एक तरीके से किसी चीज का ड्राइंग है। ग्राफ अगर हम लोग बनाते हैं तो एक तरह से क्या करते हैं, कुछ ड्रॉ ही करते हैं, तो डायग्राम, ड्राइंग और पिक्चर यूज फॉर डिस्प्लेइंग न्यूमेरिकल रिलेशनशिप, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ, दैट मीन्स रेखा चित्र। नेक्स्ट वर्ड है ग्राफिम। ग्राफिम में रूट वर्ड ग्राफ, जिसका मतलब राइटिंग है, और EME ये स्ट्रक्चरल यूनिट के लिए आता है, मतलब किसी चीज का सबसे जो छोटा इकाई है उसके लिए। तो जो राइटिंग के लिए जो सबसे छोटा इकाई है उसको हम लोग ग्राफिम बोलते हैं। अब कोई भी चीज को लिखने के लिए अलग अलग भाषा में अलग अलग लेटर हैं,
तो उस लेटर से हम लोग क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं, फिर वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं, तो इस तरीके से फिर पैराग्राफ बनता है। तो जो सबसे छोटा यूनिट होगा तो वो क्या है, लेटर है किसी भी लैंग्वेज में। यानी कि जैसे इंग्लिश में ए बी सी ये हो गया, और फिर हिंदी में जैसे क ख या अ आ, ये सब क्या है, एक तरीके से सबसे छोटा यूनिट है। तो ग्रेफिम मतलब क्या हो गया, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ और राइटिंग सिस्टम, किसी भी राइटिंग सिस्टम का जो सबसे छोटा इकाई है उसको हम लोग ग्रेफिम बोलते हैं एज अ लेटर। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग ग्रेफिम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्राफिक। अगेन यहाँ पे ग्राफ मतलब रिटेन है। तो रिटेन और डिस्क्राइब्ड और प्रेजेंटेड इन डिटेल, कोई चीज को लिखा गया है डिटेल में या बताया गया, डिस्क्राइब किया गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफिक। नेक्स्ट वर्ड है ग्राफिक्स। अगेन यहाँ पे रूट वर्ड ग्राफ आया हुआ है। तो ग्राफ मतलब ड्राइंग, आईसीएस मतलब स्किल, किसी चीज में उसका अच्छा नॉलेज होना, क्या क्या आईसीएस लग गया, जो कि स्किल है, निपुण है। द आर्ट ऑफ मेकिंग ड्राइंग इन अकॉर्डेंस विथ मैथमेटिकल रूल्स, यानी मैथमेटिकल रूल्स के तहत जो ड्राइंग बनाने का कला है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिक्स। नेक्स्ट वर्ड है ग्राफोलॉजी। अगेन ग्राफ मतलब राइटिंग और लॉजी मतलब स्टडी। देखिए ग्राफ मतलब भी स्टडी होता है, लेकिन लॉजी मतलब भी स्टडी होता है। तो ग्राफ मतलब यहाँ पे राइटिंग आप याद रखिए, क्योंकि ग्राफ मतलब राइटिंग भी होता है। तो राइटिंग का जो स्टडी है, मतलब लिखने की जो विज्ञान है, जो साइंस है, उसका स्टडी क्या कहलाएगा, ग्राफोलॉजी। आप डेफिनेशन पढ़िए और क्लियर हो जाएगा। द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग स्पेशली फॉर डिटरमाइनिंग द राइटर्स पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर, इसको ग्राफोलॉजी बोलेंगे। दैट मीन्स हस्तलिपि विज्ञान, यानी हाथ से लिखने की जो हैंड राइटिंग का जो कला है, जो साइंस है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है हेजियोग्राफी। हेजियो मतलब होता है होली, दैट मीन्स पवित्र, और ग्राफी मतलब रिटेन। तो किसी भी जो संत लोग हैं, जैसे उन सब के बारे में जो जीवनी लिखा जाता है, उसके लाइफ के बारे में जो लिखा जाता है, जिसको बायोग्राफी आप सिंपली बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे लोग जो कि संत टाइप के हैं, उसके बायोग्राफी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेजियोग्राफी। दैट मीन्स बायोग्राफी इज रिटेन अबाउट सेंट, जो सेंट्स के बारे में बायोग्राफी लिखी जाती है उसको हेजियोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है होमोग्राफ। होमो मतलब सेम होता है और ग्राफ मतलब राइटिंग। तो कोई भी आप सिंपली जैसे इस वर्ड से आप इसको समझिए, वो मतलब धनुष भी होता है। वो मतलब आप सुने होंगे जो जहाज है उसका आगे का जो पोर्शन होता है उसको भी बोलते हैं वो, फ्रंट साइड जो होता है। और फिर वो मतलब झुकना भी होता है। तो इस तरीके से देखेंगे कि एक वर्ड है और इसके अलग अलग मीनिंग है। तो होमोग्राफ में क्या होता है, एक वर्ड या एक से अधिक वर्ड हो सकते हैं जो कि स्पेलिंग में सेम होंगे, यानी कि जो लिखावट होगा उसका राइटिंग होगा वह सेम होगा, लेकिन उसका मीनिंग जो है अलग हो जाएगा। हो सकता है उसका उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन, वह अलग हो जाएगा, लेकिन स्पेलिंग सेम रहेगा, तो उसको हम लोग होमोग्राफ बोलते हैं। आई होप समझ गए होंगे, लिखावट सेम है लेकिन उसका मीनिंग या उच्चारण अलग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोग्राफ। नेक्स्ट वर्ड है आइसोग्राफ। आइसो मतलब होता है इक्वल और ग्राफ मतलब हो गया ड्राइंग। तो अ लाइन ऑन अ मैप दैट शोज रीजन विद कॉमन लैंग्वेज। आप इसको इस तरीके से समझिए कि कोई भी एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया जाता है जो कि सेम टाइप के लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करता है मैप पे, तो उसको आइसोग्राफ बोलते हैं उस लाइन को। या आप समझ इस तरीके से समझिए कि लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, जो बोलने का, जो भाषा का, किसी एक लोगों में, कुछ लोगों में जो कॉमन होता है, उसको दर्शाने के लिए मैप पे जो लाइन को ड्रॉ करके दर्शाया जाता है उसको हम लोग आइसोग्राफ बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मोनोग्राफ।
मोनो मतलब होता है सिंगल और ग्राफ मतलब होता है राइटिंग। तो किसी सिंगल सब्जेक्ट पे जो कुछ लिखा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे मोनोग्राफ। एन आर्टिकल रिटेन ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट, क्योंकि मोनो रूट वर्ड आया है, यहीं से आप ध्यान रखिए किसी सिंगल चीज के बारे में, किसी सिंगल सब्जेक्ट के बारे में जो लिखा गया है कोई आर्टिकल, उसको हम लोग बोलेंगे मोनोग्राफ। नेक्स्ट वर्ड है ओडोग्राफ, एच ओ डी ओ एस जो रूट वर्ड है, यहीं से ओ डी ओ आया है, जिसका मतलब है जर्नी और ग्राफ मतलब है रिकॉर्डिंग। तो आप जैसे सुने भी होंगे कि मोटरसाइकिल हो गया या कोई व्हीकल है उसमें ऑटोग्राफ लगा रहता है, वो क्या करता है कि कितना किलोमीटर चला गया है उस व्हीकल के द्वारा उसका रीडिंग बताता है। तो अब इसको समझिए, उसके रिस्पेक्ट में अच्छे से समझ में आएगा। अ डिवाइस फॉर मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ऐसा डिवाइस जो कि यूज किया जाता है कि कितनी दूरी चला गया है उसको रिकॉर्ड करने के लिए या उसको मापने के लिए, तो वैसे डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोग्राफ। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, ऑटो जो है ये जर्नी से रिलेटेड है, यानी कि कितना यात्रा वगैरह किया गया है, और इसको रिकॉर्ड करने के लिए जिस भी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोग्राफ, दैट मीन्स दूरी मापक यंत्र। नेक्स्ट वर्ड है ओरोग्राफी, ओ आर ओ, इसका मतलब होता है माउंटेन। ध्यान रखिएगा, कई बार आपको ये रूट वर्ड अलग अलग जगह आपको दिख जाएगा। और ग्राफी मतलब हो गया स्टडी, तो माउंटेन का स्टडी करना क्या कहलाएगा, ओरोग्राफी, द स्टडी ऑफ माउंटेन्स। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्थोग्राफी, ऑर्थो मतलब होता है करेक्ट सीधा, और ग्राफी मतलब हो गया स्टडी, तो करेक्ट स्पेलिंग का जो स्टडी है उसको कहते हैं ऑर्थोग्राफी, दैट मीन्स द स्टडी ऑफ करेक्ट स्पेलिंग्स। नेक्स्ट वर्ड है फाइटोग्राफी, फाइटो मतलब होता है प्लांट पेड़ पौधा, और उसके बाद ग्राफी मतलब हो गया स्टडी, तो प्लांट का स्टडी क्या कहलाएगा, फाइटोग्राफी, यानी द स्टडी ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट वर्ड है पॉलीग्राफ, पोली मतलब हो गया मैनी, और ग्राफ मतलब हो गया रिकॉर्डिंग, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि बहुत चीजों को रिकॉर्ड करता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीग्राफ, दैट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेज इन वेरियस बॉडी फंक्शन, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि शरीर में होने वाले अलग अलग तरीके के फंक्शन में जो चेंजेज आ रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि रिस्पायरेशन, सांस का गति, सांस हो गया, हार्ट रेट हो गया जो हार्ट बीट है, हृदय गति, ब्लड प्रेशर, तो इन सब से को रिकॉर्ड करता है कि क्या चेंजेस इसमें आ रहे हैं, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, पॉलीग्राफ। और इसी को हम लोग लाई डिटेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति, ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके इन सब चीज़ों में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है, जिससे कि कुछ उस ग्राफ को देखते हुए ये अनुमान लगाया जाता है कि ये सही नहीं बता रहा है, कुछ झूठ बोल रहा है, जिसके कारण ये चेंजेज हो रहे हैं इसके बॉडी फंक्शन में, तो वैसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलना है हम लोग, पॉलीग्राफ। नेक्स्ट वर्ड है पायरोग्राफी, पायरो मतलब हीट होता है, और ग्राफी मतलब हो गया ड्राइंग या राइटिंग, तो हीट हीटेड टूल से या हीट का यूज करके कोई भी डिजाइन बनाना या कुछ लिखना क्या कहलाता है, पायरोग्राफी, द आर्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन विथ अ हीटेड टूल एज ऑन वुड, जनरली वुड वगैरह पे जो हीटेड टूल का, यहाँ पे पायरो से ही आपको ध्यान आ जाएगा कि हीट का कहीं ना कहीं यूज है, तो हीटेड टूल का यूज करके जो डिजाइन वगैरह बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पायरोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है सिस्मोग्राफ, सिस्मो मतलब होता है अर्थक्वेक यानी भूकंप, और ग्राफ मतलब हो गया रिकॉर्डिंग, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करता है, मापता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट वर्ड है स्टेनोग्राफी, स्टेनो मतलब होता है एब्रिविएटेड, दैट मीन्स कि संक्षिप्त रूप में, सिंपली आप बोल सकते हैं शॉर्ट में किसी चीज को लिखना छोटा करके संक्षिप्त में, और ग्राफी मतलब हो गया राइटिंग, तो ए मेथड ऑफ राइटिंग रैपिडली शॉर्ट हैंड, यानी कि जो लिखने का एक ऐसा कला जो जिसमें कि जल्दी से लिखा जाता है, और इसमें एक तरीके से लिखने का एक कला है जिसमें कि आप सिंपली बोल सकते हैं कि लंबे लंबे सेंटेंस को या लंबे लंबे वर्ड को कुछ सिंबॉलिक रूप से लिखा जाता है,
जिसको शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं, तो उस ऐसी इस तरीके की लिखावट को क्या बोलते हैं? स्टेनोग्राफी। तो इसी को हिंदी में आशुलिपि भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टेलीग्राफ। टेली मतलब होता है डिस्टेंट यानी दूर का, और ग्राफ मतलब हो गया राइटिंग। तो पहले क्या होता था कि एक ऐसा डिवाइस होता था जो कि कोडेड मैसेज को लॉन्ग डिस्टेंस पे अक्सर भेजने के लिए यूज किया जाता था, तो उसको हम लोग टेलीग्राम बोलते थे। अ डिवाइस फॉर सेंडिंग कोडेड मैसेज टू डिस्टेंट लोकेशन। नेक्स्ट वर्ड है थर्मोग्राफ। थर्मो मतलब हो गया टेम्परेचर और ग्राफ मतलब हो गया रिकॉर्डिंग। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या करेगा कि टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेगा, तो उसको थर्मोग्राफ बोलेंगे। तो एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ग्राफिकली रिकॉर्डिंग वेरिएशन इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर में क्या वेरिएशन आ रहा है, बदलाव आ रहा है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसको थर्मोग्राफ बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टोपोग्राफी। टोपोस मतलब होता है प्लेस और ग्राफ मतलब हो गया राइटिंग या स्टडी। तो आप इसको इस तरीके से देखिए, द डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ अ पार्टिकुलर प्लेस और रीजन, किसी भी खास जगह का जो स्टडी है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी यानी आप सिंपली समझ सकते हैं कि जो विस्तार से जो स्टडी है किसी पार्टिकुलर प्लेस या रीजन का, उसको हम लोग बोलते हैं टोपोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है जीरोग्राफी। जीरो मतलब होता है ड्राई और ग्राफी मतलब हो गया रिकॉर्डिंग। तो अ ड्राई फोटोग्राफी प्रोसेस्ड बाय जीरोक्स मशीन। जीरोक्स मशीन में जो ड्राई फोटोग्राफी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोग्राफी। तो ड्राई फोटोग्राफी जीरोक्स, जीरो मतलब ही हो गया ड्राई, तो यहां से आप रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है जाइलोग्राफी। जाइलो मतलब होता है वुड और ग्राफी मतलब हो गया ड्राइंग। तो जो वुड पे ड्राइंग करने का कला है, लिखने का कला है, तो ये सब क्या कहलाता है? जाइलोग्राफी। द आर्ट ऑफ इंग्रेविंग ऑन वुड, यानी वुड पे जो खोद कर जो लिखा जाता है इंग्रेव करके अलग अलग तरीके से, तो इस तरीके के कला को क्या बोलते हैं? जाइलोग्राफी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको ग्राफ रूट वर्ड से लगभग सारे वर्ड करा दिया है। जो एक दो वर्ड बचे होंगे उसको मैं नेक्स्ट सेशन में आपको करा दूंगा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट भी करना है वीडियो में तो वो बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।